दोस्तों अगर आप अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो क्रिएट करते हो और उसमें जब किसी भी वेबसाइट से साउंड इफेक्ट या फिर म्यूजिक आप जो है डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज करते हो, जैसे आप YouTube चैनल में अपने वीडियोस अपलोड करते हो उसके बाद जो सामने जो म्यूजिक ओनर जो है आपको एक कॉपीराइट क्लेम आपको भेज देता है, तो दोस्तों इस क्लेम को हम अपनी वीडियो से कैसे रिमूव करेंगे और इसके अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा जो कि हम इस म्यूजिक को रिप्लेसमेंट या फिर इसको कट करके और दूसरा म्यूजिक डाल सकते हो, तो दोस्तों इसी वीडियो में आपको पूरे डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल घंटी को दबा के ऑल बटन में क्लिक कीजिए। चलो फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप YouTube चैनल के लिए आप वीडियो क्रिएट करते हो और उसमें जो है साउंड इफेक्ट या फिर बैकग्राउंड साउंड थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करके आप लगा दो तो YouTube आपको जो है एक कॉपीराइट क्लेम भेज देता है। दोस्तों इस क्लेम को आपको कैसे हटाना है तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यूट्यूब स्टूडियो में आना है और यहाँ पे कंटेन है, कंटेन में आना है। कंटेन आने के बाद आपको जो भी आपकी जिस वीडियो में आपको कॉपीराइट है उसमें आपको फाइंड कर लेना है। यहाँ पे सर्च टाइटल से भी कर सकते हो या फिर आप कॉपीराइट क्लेम इस तरह से आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपके हमने कॉपीराइट क्लेम की एक जो आपके जिस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे शो होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपको माउस से ओनली यहाँ तक लेके आना है। उसके बाद आपको सी डिटेल दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कॉपीराइट समरी एड एंड स्टेटस आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जो चैनल इनफैक्ट जो है इस जो हमने साउंड जो है यूज किया इस साउंड की क्लेम से हमारे चैनल पे कोई भी इनफैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन जो है ये मोनिटाइजेशन नहीं होगा अगर ये वीडियो जो है हमारा अगर कल को अगर वायरल हो जाए और इसमें व्यूज और वॉच टाइम भी आ जाता तो ये इंक्लूड नहीं होगा हमारी जो मोनिटाइजेशन ऑप्शन में, ठीक है। तो इस चीज के ध्यान देंगे और इस क्या जो है साउंड को कैसे हटाना है काफी कुछ ऑप्शन है जो यहाँ पे यूट्यूब देखे रहेगा इस साउंड को हटाने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एक्शन में आ रहा है देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना वीडियो में देखो उसमें कितने लेंथ तक आपकी कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो मेरे वीडियो में यहाँ तक आ रहा है तो 3 मिनट करीब जो है क्लेम मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो 3 मिनट करीब जो वीडियोस में क्लेम मिल रहा है अगर कल को ये वीडियो वायरल हो जाता है 3 मिनट की वॉच टाइम मुझे जो अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन में उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें ये सबसे जो है हटाना पड़ेगा तभी हमारी जो मोनेटाइजेशन में ये जो वॉच टाइम वगैरह ऐड होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो एक्शन बटन है यहाँ पे नीचे सिलेक्ट एक्शन यहाँ पे चाहे तो इस वीडियो की जो लेंथ है जहाँ 3 मिनट है इस 3 मिनट का आप वीडियो की यहाँ से गायब कर सकते हो मतलब रिमूव कर सकते हो कट करके रिमूव कर सकते हो। यहाँ से आप 3 मिनट वीडियोस को आप हटा सकते हो या फिर आप रिप्लेस सॉन्ग जैसे कि अगर आप कोई भी रिप्लेस यहाँ पे क्लिक कर दो तो आपको यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से कुछ यहाँ पे जो ऑडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा यहाँ से आप कोई भी साउंड जो है सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये ऑडियो लाइब्रेरी जो कि फ्री म्यूजिक है या इससे आप अगर यूज कर दो कोई भी आपका जो है कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो ये आप कोई भी यहाँ पे साउंड वगैरह डाल के या फिर आप जो है यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है यहाँ पे आप इस जगह से मतलब यहाँ तक जो है 3 मिनट तक जो है इस आप साउंड को यहाँ पे म्यूट कर सकते हो मतलब साइलेंट कर सकते हो इस साउंड इफेक्ट को आप यहाँ पे जो है इसको साइलेंट कर सकते हो, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है जो इजीली आप ये चीजें कर सकते हो। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपको देख रहे हैं नीचे डू यू हैव राइट टू दिस कंटेंट। अगर आपका ये कंटेंट आपके वीडियो तो कंटेंट आपका खुद का है या फिर आपका जो साउंड इफेक्ट या फिर म्यूजिक बैकग्राउंड साउंड है या अगर आपका खुद का है तो आपको यहाँ पे डिस्पोज में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक मारना है और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। और उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ बता रहा है यहाँ पे देखो आई ऑन कॉपी द सॉन्ग और वीडियो। अगर ये आपका खुद का है तो आप इस तरह से करना पड़ेगा। तो आपको मैं यहाँ पे जो है एक कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ किस तरह से करना। अगर आपको ओरिजिनल साउंड है आपको खुद का है या फिर आपने किसी से खरीदा है लाइसेंस वगैरह लेके तो आपको यहाँ पे लाइसेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल है आपका खुद का साउंड वगैरह है जैसे वीडियो शूट करने के टाइम अपने साउंड वगैरह बैकग्राउंड साउंड वगैरह आ जाता है तो उससे आप ओरिजिनल कंटेंट कर सकते हो, ठीक है। और लाइसेंस जो है आपने अगर किसी वेबसाइट पे साउंड आपने खरीदा है तो आपको यहाँ पे लाइसेंस करना पड़ेगा परमिशन। और उसका फेयर यूज जो है फेयर यूज में ये होता है जैसे कि आपने यूज किया उसके बाद आपने जो कॉपीराइट आने के बाद आपने जो उस सॉन्ग को या फिर उसको साइलेंट कर दिया या फिर हटा दिया उसके बाद भी अगर आपकी कॉपीराइट आ जाता है फिर भी आप जो ही ये फेयर यूज जो इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे फेयर यूज करके कंटिन्यू करोगे तो उसके बाद आपको अपील करना है
जो मैंने रिमूव कर दिया और फिर भी मेरी कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो ये चीजें आप जो कर सकते हो, या फिर आप सामने वालों को रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर मैं ये सी वीडियो पर्सनल या फिर नॉन प्रॉफिटेबल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे कंटिन्यू करके आप अपील कर सकते हो। पब्लिक डोमेन में ये हो जाता है, जैसे कि आपके कंटेंट वीडियोस अगर आपका खुद का है, उसके बावजूद भी यहाँ पे जो कॉपीराइट क्लेम आ रहा है बार बार, तो आप जो है ये चीजें आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो। या फिर आप जो किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया लेकिन फ्री ही है, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। और भी वीडियोस में आपने देखा होगा ये साउंड जो यूज़ कर रहा है बिना परचेज के, तो फिर आप जो है यहाँ पे पब्लिक डोमेन करके आप कंटिन्यू करके आप रिक्वेस्ट अपील कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ओरिजिनल या फिर लाइसेंस है तो आपको क्या करना है, लाइसेंस और उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू और आई हैव परमिशन यहाँ पे कॉपीराइट ऑनर, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज लिखना है, आपको यहाँ पे अगर किसी भी कारण से मान लो जैसे कि कॉपीराइट आ जाता, किसी ने गलती से क्लेम कर दिया आपके ऊपर और फ्रॉड कोई करता है, जैसे कोई भी बंदे बोल रहा है मेरा ये है नहीं जबकि उसका है नहीं, तो आपको यहाँ पे लिखना है जो ये सामने वाला है नहीं मेरा है, खुद का कंटेंट है, खुद का ऑडियो वगैरह है, तो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे इस वाला टिक में आप करके जो है यहाँ पे जो है सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको खुद का है तो आपको यहाँ पे माय वीडियोस नॉट इंटरप्रेट एनीवन कॉपीराइट, तो आपको ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर लगता है भाई ये बेफालतू की कॉपीराइट आया, तो ये सारे में आपको टिक करके आपको जो यहाँ पे सिग्नेचर करके सबमिट करना पड़ेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, तो आगे से अगर आपकी कोई भी अगर इस तरह से कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप यहाँ पे अगर कोई भी फ्रॉड अगर आपको क्लेम कर रहा है तो आप उसकी एक्शन ले सकते हो और आपका जो कॉपीराइट वो हट जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आप अगर कोई भी ऑडियो वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, फिर भी आप आपको एक अपील जो है यूट्यूब को भेजना पड़ेगा, जिससे कुछ टाइम के बाद आपके जो ऑडियो जो है यहाँ पे कॉपीराइट है ये हट जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो आपको अगर कोई भी जैसे कि फ्री आपने डाउनलोड करके यूज़ किया और उसके बावजूद भी आपके पास जो है कॉपीराइट आ रहा है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से अपील करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक अच्छे से मैसेज लिखना पड़ेगा, चाहे आप गूगल ट्रांसलेट से करो या फिर आप इंग्लिश अगर लिखना आता है तो इंग्लिश से आप लिख के भेज सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉचिंग। Thank you.